शिवसेना की महाराष्ट्र वाहतूक सेना के नालासोपारा शहर अध्यक्ष नरेंद्र परशुराम मेश्राम ने सड़कों पर कुछ लोगों द्वारा होने वाली समस्याओं के चलते कई सरकारी विभाग में पत्र व्यवहार किया है। उन्होंने अपने पत्र में मनपा की बस जो कि निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को लेकर चलती है उस बारे में, तो वहीं प्राइवेट बसों को बंद करने हेतु वो मैजिक गाड़ियां बंद करने हेतु पत्र व्यवहार किया है। आखिर क्या मुद्दे हैं और उनकी मांगे प्रशासन नहीं मानेगी तो क्या कदम उठाएंगे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के लोग, सुनिए नरेंद्र मेश्राम की जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र परशुराम मेश्राम। आपने अभी प्रशासन को पत्र व्यवहार किया है, किस किस विभाग में किया है पत्र व्यवहार? सर मैंने ये जो पत्र व्यवहार किया है मंत्रालय में दिया हूँ गृह विभाग को, और मीरा भाईंदर कार्यालय जो है आयुक्त कार्यालय वहाँ पे दिया हूँ, पुलिस थाने अमलदार वाहतूक विभाग विरार में दिया हूँ, और पुलिस थाने अमलदार वाहतूक शाखा वसई में दिया हूँ, और उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय विरार में दे चुका। मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे सर ये है, ठेका पद्धति से जो महानगर पालिका की जो बसेस चलवा जा रही है, ये बसेस जो अवैध रूप से चलाई जा रही है, उनका इंश्योरेंस खत्म है, उनका फिटनेस खत्म है, और ये बसेज जो है एकदम मतलब ओवरलोड होके चलवा रहे हैं। आप किस आधार पे कह सकते हैं उनका इंश्योरेंस खत्म है, फिटनेस? सर मेरे पास पूरा भाई, मैंने एम परिवहन से मतलब लिस्ट निकाला है, जिसमें मैंने 14 बसेस का मतलब लिस्ट मैंने परिवहन विभाग से लेके मंत्रालय तक मैं दे चुका हूँ सर। उनका इंश्योरेंस खत्म है, उनका फिटनेस खत्म है, और कुछ सबसे ज्यादा बस तो मैंने देखा उसमें तो जो रोड टैक्स भरते हैं वो टैक्स वगैरह खत्म है। अगर कल चल के अगर ये वाहतूक जो कर रहे और प्रवासी जो बस में जा रहा है, कल चल के ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है, अपघात हो जाता है, तो उसका जवाबदार कौन? जी किसको? ये जो मैजिक जो गाड़ियां चल रही है टाटा मैजिक भी अवैध रूप से है, उनको टप्पा प्रवासी वाहतूक करने का मतलब कोई अधिकार नहीं है, ये खाजगी गाड़ियां लिया है, लेकिन वो गाड़ियों के ऊपर मतलब प्रवासी वाहतूक किया जाता है। अगर वो गाड़ी का भी बाई चांस कभी ऐसा अगर हादसा हो जाएगा तो उसके लिए भी जवाबदार कौन रहेगा? लेकिन यहाँ पे प्रशासन कहता है कि वातु प्रशासन कहता है कि हमने कई बार इन अवैध मैजिकों पर कार्रवाई की है, लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, क्या कहना है? सर वो कार्रवाई करते हैं केवल नाम के लिए करते हैं, और ये लोग पैसा लेते हैं, गोडाउन के पास लेके जाते हैं, पैसा लेते हैं और गाड़ियां छोड़ देते हैं। जैसा रिक्शा के बारे में, जैसा किसी के पास लाइसेंस नहीं, इंश्योरेंस नहीं, तो उनकी गाड़ियों पे परवाना उल्लंघन जैसा 10-12 हजार का मेमो देके वो गाड़ी वाहतूक अंबाड़ी में मतलब जमा करते हैं। ऐसा मैजिक और बसेस के ऊपर आज तक सर कार्रवाई हुआ नहीं है। और क्या मांगे हैं आप? सर यही हमारी दो मांगे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी न हो तब आप क्या? सर हम अगर ये मांग पूरी नहीं होते तो हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे यूनियन के माध्यम से। कितने ऑटो चालक आपके यूनियन में हैं? सर जी फिर भी 150 से 200 जाएंगे, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, अवैध रिक्शों के ऊपर आपने अभी तक कोई मांग नहीं उठी है जो बिना उचित दस्तावेज के चल रहे हैं? सर हमने उसके बारे में बहुत बार मतलब उनको वाहतूक विभाग को भी लेटर दे चुके हैं, उसके बारे में हमने एक बार एडिशनल एसपी कार्यालय वसई में भी हमने धरना दिया था, लेकिन वो लोग जब हम लोग ये इस टाइप का जब मांग करते हैं कि नल्ला जो रिक्शा है, जो ड्राइवरों के पास लाइसेंस ब्याज नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करो, तो वो लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है, और ये कार्रवाई करते है केवल लीगल रिक्शा वाले जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। इस सारे मामले में जी ट्रैफिक पुलिस कर्मी या उनके अधिकारियों की क्या भूमिका है, किस तरह की कार्यवाही रिक्शों के ऊपर या अवैध मैच के ऊपर की जाती है या अन्य लोगों पर की जाती है, क्या उनकी भूमिका इस मामले में सामने आई है? मामले में यही है, कुछ रिक्शा वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको यहाँ से लेके गए, वहाँ पे हमसे 2000 रुपया लिया, 3000 रुपया लिया है, इस टाइप का रिक्शा वाले बोलते हैं, और वो कार्रवाई जो है वो लीगल वालों के ऊपर ही किया जाता है, अनलीगल वालों के ऊपर नहीं, वो रिक्शा वालों से पैसा लेकर मतलब छोड़ दिया जाता है, और ऐसा कुछ धाड़ वगैरह रहता है तो वो ट्रैफिक वाहतूक वाले जो यहाँ पे है वो लोग बोलते हैं कि आज तो रिक्शा मत निकालना, ऐसे ऐसा धाड़ है, इस टाइप से मतलब वो लोग को बताया जाता है। ये मैजिक और बस चलती, इनका क्या पुलिस वालों के साथ कुछ हफ्ता वगैरह जी जी रहता है? बसेस के बारे में तो सर मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा एक आरोप है कि जब ये गाड़ियों पे इंश्योरेंस नहीं है, टैक्स नहीं है महानगर पालिका की बसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनका आर्थिक संबंध है वाहतूक विभाग से,
तभी ये बसें चल रही, ताकि रिक्शा वालों के ऊपर अगर ऐसा रहता था तो रिक्शा जैसा गोडाउन में जमा करते तो बस जमा करना चाहिए। हमने वाहतूक विभाग को लेटर दिया, इंगोली साहब को मैंने लेटर दिया हूँ सीनियर, और आरटीओ को भी दिया, अगर ऐसा रहता था तो ये कार्रवाई करते थे ना, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब यही है कि आर्थिक संबंध कुछ ना कुछ है, और मैजिक यहाँ पे अपना चलते टाके टन पे, वो सिरीज चौहान का जो ऑफिस है उनके ऑफिस के सामने से कम डेली 10-15 मैजिक चलते हैं। हमने वाहतूक विभाग को कितनी बार मतलब बोला है कि सर ये ऐसा ऐसा बात है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो वो बोलते हैं कि वो पॉइंट मेरा नहीं है, मैं वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। तो कार्रवाई कौन करेगा जब उनके सामने चलाया जा रहा है, और उन लोग को हम बोलते हैं तो भी वो कार्रवाई नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि इनका आर्थिक संबंध 101% है। मैजिक 6 आसनी गाड़ी है, ताकि वो घर के लिए लिया गया है, लेकिन उसमें 12 से 15 सवारी भर भर कर जाती है। वो पल भी कोई पल है जिस पल तेरा एहसास ना हो, वो महफिल भी क्या महफिल है जिसमें ब्लैक मस्ती चाय ना हो।